कथा सुनते हैं, भारत की सभ्यता की संस्कृति की डोरी अगर बंधी हुई है, टिकी हुई है तो हमारे नौजवान बच्चों के ऊपर। ध्यान रखना, शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, और शिक्षा बेटा मजबूत तब होगी तब शरीर मजबूत होगा, और शरीर मजबूत होगा तो दिमाग मजबूत होगा, और जब दिमाग मजबूत होगा तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई मजबूत होगी। इस बात पर ध्यान रखना, कभी मेरे भारत की सभ्यता को संस्कृति को कमजोर मत होने देना, और कमजोर करिए तो नौजवान बालक नहीं करिए। देखा है तुमने, हमने पिछली बार भी बताया था, एक कोई क्रिकेटर आया था टेलीविजन पर, जब आई थी क्रिकेट तो उसमें उस क्रिकेटर ने सिर की कटिंग करवाई तो बीच में तो 5-5 इंची के बारे और नीचे वो सब साफ। भारत में बालक बालक ने करवा दी कटिंग बेई, तो नकल तुमने अगर उनकी करी है तो तारीफ तुम्हारी तब है तब तुम अपने भारत की कटिंग की नकल उन पे करवा रहे। तुम्हें मालूम है भारत की कटिंग कौन सी है? पूरे सिर के बाहर एक लेवल में, बीच में चुटिया एक बिलांदगी, यह कटिंग भारत की। अंग्रेज ने पूछा था हिंदुस्तान वालों से, तुम्हारे तो भारतीय बारू कटवाओ ना जानते। पंजाब के एक पंजाबी ने कहा क्यों नहीं जानते, कि जी बताओ पूरे सिर के बाल एक लेवल में, जो बीच में काहे की पूछ सी बांध रही है। वह पंजाबी ने जवाब दिया वह इंग्लैंड के अंग्रेज को, कि उल्लू के पट्टे जब भगवान ज्ञान की किरणें आकाश में भेजता है तो उन ज्ञान की किरणों को कैच करने के लिए ये एंटीना लगाया है हमने, ये है भारत की पहचान। एक और देखो, बहुत शर्म की बात है, नौजवान बच्चे पहले तो कोई बात ना, 60 साल के बड़े बूढ़े, न वो घुटन नहीं है न पजम नहीं है, क्या कहते हैं बातें क्या फरी। देखिए तुमने घोटन तो चार आंगू नीचे मुराए थे बना दो ऊपर, बात कहते हैं क्या फरी, और क्या फरी बनी चो मालूम है कहां बनी, कैफरी बनी लांसी। सुनो, कैफरी कहां बनी है बालकों, आज के बाद बंद कर दियो सिम्मा वो। कैफरी बनी भोरे जी, ऐसा हुआ कि एक बार जे यज्ञपति महाराज पजम्मा सिम्मा लाए, सो पजम्मा है वो चार आंगू नीचो, सो उनने भाई घरवाई थी कि सुनना नहीं कि का है कि जब पजम में चार आंगूर काट के तुरप दियो। मैंने कि ठलुआ रहता तो सब दिन मोह पे काम करता, तो तुम्हें मालूम है जब पजम्मा लाग टाइम है मोह पे। फिर कई लड़की थी कि लली बेटा जब पजम में चार आंगूर काट दियो पापा बिल्कुल ना गृह विज्ञान को पेपर हो पे आज तो बिल्कुल टाइम ही ना। लड़का थी कही तो लला तू ही काट दी है, मान कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट आ रहा, पापा आज पूरे दिन व्यस्त रहेंगे हम आपको बजाना है। अब पजम में धर गए अलमारी में, कामते चौका वासन करके झाड़ू दे के जब फ्री भई नहीं घरवाई से उन्होंने सोची अब काम का जतना ला पजम में ही काट दू, तो उन्हें पजम उठाओ चार आंगुर काटो तुरप को घड़ी करके माँ को वहीं दत्त। लड़की आई पेपर दे के मान की बच्चो पापा नाराज होंगे पजम्मा की कह रहे, तो पाने अलमारी में तो उठाओ चार आंगुर पाने काट दो और काट को तुरप को तो ही दत्त दो। लड़का ने कही क्या बोला क्रिकेट समाप्त है गई है पापा नाराज होंगे तो पजम्मा ना कटो, सो चार आंगुर बाने काट दो और तुरप के दो अलमारी में। जब बिन्ने कही यज्ञपति आए लौट के, अब कोई ना काटे बोला मैं ही देख लू, सो जो बिन्ने भाई घड़ी खोली वो बन गई कह भरी। तो ध्यान करो, ये भारत की पहचान नहीं है, भारत की पहचान यह पजम्मा पहरो तो पूरो, और धोती अगर बांधो सबसे ज्यादा पहनावा धोती का अच्छा लगता है, कुर्ता धोती का। ये बोरे हम धोती पहरे पहले बताऊ गए सिखाई गए पहरे मुझे फिर भूल गए। दूसरी बात, हाँ जय है मिली गई, चलो चलो कोई बात ना, तो हम कहूं ना अंत ना कहेंगे, शर्म की बात है। अब सुनो,
नौजवान बच्चे तुम देखते हो मोबाइल, सही बताओ भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? अरे वाराणसी, देखो जलेबी है। और जलेबी तुम्हारे हिंदुस्तान में ही बनते हैं बस। सो एक बार एक अंग्रेज आया विदेश से जहाज थे, सुबह जलेबी सिकत देखी तो पानी की झिका चीज है। सुबह एक किलो तुलवा के और पैक करवा के और अपने देश को ले गया इंग्लैंड में। अब बाने विचार करो, पूरे इंग्लैंड के सब विद्वान वैज्ञानिक इकट्ठे करेगा, जिगड़ित लगाओगे या जलेबी में चाशनी कहां है की गई है? सब वैज्ञानिक फेल। एक ने की चौरे अब अगे को बना हुआ फिर पाल लाओ तू भारत में। जब भारत में 11 साल पहले वो डेविड गया था हमारे यहां से, तो बाद ना वो समोसा खरीद के लाओ ताको तो गड़े तो आज तक ना ला पाए, पर समोसा में आलू कहां है गो है? ये चीज बनती है तुम्हारे भारत में जिसमें वैज्ञानिक विदेशी फेल है कि जलेबी में चाशनी कहां है की गई है। तो तुम जब भारत की बात छोटी कर रहे हो, बिल्कुल मत करो, कभी नहीं। मेरा हिंदुस्तान बल में शिक्षा में योग्यता में हमेशा सब देशों से आगे रहा। उत्तर नौजवान बच्चे पीछे करना चाहते हैं और देखो जे योगेंद्र बाबू ध्यान करो मेरी बात पे के बच्चों, वो मुझे ध्यान नहीं रहा बहुत दिन हो गए। एक अंग्रेजी में पाठ है कोई, कभी कोई पक्षी जा रहा था तो ऊपर तो दो फल टूट के गिरे, बगो ऊपर धरे आ जाओ काए और मिले कैसे भाई, भैया आकाश गिर रो है पाठ ये स्काई और कुछ है उसमें हेडिंग उसकी, अब पता ना वो बदल दो हो तो मालूम ना है कोर्स में थे। तो वो जाई बात है चिल्ला डोलो पूरे जंगल में आकाश गिर रो है। हमारे बहनोई भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं अलीगढ़ के, उन्हें कछु दिना ही नहीं की तरह मनोवैज्ञानिक रोग बहुत हो गए, नीचे बैठे के ऊपर चित बताएगा जी पंखा तो ना गिर पा रहे हो, फिर विचार करते है जी लेंटर तो ना गिर पा रहे हो, गाड़ी में बैठ के चलते तो जी लगती है जी गाड़ी उड़ के बाद पल्ली भाई गाड़ी में तो ना लगी जाएगी। ये सोच जब पैदा होती है वो मनोवैज्ञानिक रोगी बन जाता है। और बे मनोवैज्ञानिक रोगी जी हमारा चेला 50% तो हर समय है, हर समय जाकि क्या धारणा बनी कि जी कहू बड़े बूढ़े आदमी रास्ता में देख ले तो सोई बात देख के रोल कर गए सोई में आ जाऊंगा, कोई मरे हुए व्यक्ति को टिकट ही पर देख ले तो कहा गए ऐसी में मत जाऊंगा, डीक फोर फोर के रोवे आगरा इलाज करवाओ तब थोड़ो सो अब आ दो सही है। तो मनोवैज्ञानिक कोई बीमारी नहीं होती, वो बीमारी तुम खुद पैदा करते हो मस्तिष्क में सोच के। अब वहीं आ जाइए जिस समय उत्तानपाद महाराज